गजा में बंधकों के शव मिलने के बाद अब इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हमास अपनी बात इसे लेकर कह रहा है, वहीं पर इजराइल अपनी बात इसको लेकर कह रहा है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है, वो भी तुर्की से जुड़ी हुई। क्या है ये बड़ी खबर? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, क्या खबर मिल रही है? ये सब कुछ तो हो रहा है, हमने देखा गजा में जिस तरह से शव मिला, उसके बाद इजराइल अपनी तरफ से बयान दे रहा है, यानी कि नेतन्याहू अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, हमास के प्रवक्ता अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं, लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी खबर आई है, हमारे दर्शकों को बताइए जरा। आप जिस बड़ी खबर की बात कर रहे हैं, ये तुर्की से आई है, तुर्की से आई है, और तुर्की के राष्ट्रपति, मैं सबसे पहले आपको उनका बयान बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है तो हमारे पास स्टील डोम सिस्टम होगा, और हमारा स्टील डोम सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है जो कि डिफेंस सिस्टम है, उसी तरह तुर्की ने स्टील डोम सिस्टम तैयार किया है, और ये स्टील डोम सिस्टम जो है वो तैयार किया है, और ऐसा कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि तुर्की ये स्टील डोम सिस्टम को हिजबुल्ला और हुती को दे सकता है। देखिए, अब से कुछ दिनों पहले ईरान में एक बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में तुर्की के कई प्रतिनिधि शामिल थे और ईरान के अधिकारी शामिल थे। बताया जाता है कि इस बैठक में, इस मीटिंग में, इस स्टील डोम सिस्टम को लेके काफ़ी चर्चा हुई थी, और उसके बाद अब ये तुर्की के राष्ट्रपति का बयान सामने आया है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है वो भी हमारे दर्शकों को जरा बताइए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम हिजबुल्ला और हुती को मिल जाता है, देखिए अब तक क्या होता था कि जो IDF है, इसराइल की फोर्सेस है, खासकर एयरफोर्स जो है, वो बिना किसी रुकावट के जब चाहे लिबनन में हमले कर देती थी, हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना देती थी, हमास पे हमले होते थे और गाजा पे स्ट्राइक होती थी। लेकिन देखिए, ये सिस्टम, अगर स्टील डोम सिस्टम हिजबुल्ला को मिल जाता है और इसे लिबनन की सीमा पे तैनात कर दिया जाता है, तो उसके बाद अगर इसराइल की कोई मिज़ाइल जो है अगर लिबनन में फायर होती है, या हिजबुल्ला के किसी ठिकाने पर फायर होती है, या फिर इसराइल का कोई फाइटर जेट अगर लिबनन की सीमा के अंदर जाता है स्ट्राइक करने के लिए, तो उसके लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा खुद एर्दोगन कह रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि ये जो स्टील डोम सिस्टम है, ये अब तक का सबसे आधुनिक जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और ये बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आयरन डोम काम करता है, शील्ड की तरह। जैसे अभी हिजबुल्ला की तरफ से जो रॉकेट्स या मिसाइल्स फायर होती हैं, उसको आयरन डोम जो है हवा में इजराइल का जो है तबाह कर देता है, बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होगा स्टील डोम सिस्टम। और देखिए, उसका नाम आयरन डोम है, तो शायद इसका नाम स्टील डोम रखा गया है, उसको एक प्रकार से टक्कर देने की। तुर्की जो है वो है तो नेटो का सदस्य, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए, पिछले कुछ वक्त से तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान आए हैं, उससे ये एक बात तो साफ है कि तुर्की जो है अब इस पूरे मामले में, चाहे वो यूक्रेन वॉर होए, चाहे वो ये मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, इसमें हिजबुल्ला और इसराइल की लड़ाई हो, इसमें इस तुर्की ने अपना स्टैंड अप कुछ साफ कर दिया है, और वो जो है पूरी तरह से ईरान और रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इसकी क्या वजह है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर तुर्की, ऐसे अनुमान क्यों लगाए जा रहे हैं कि तुर्की जो है वो हिजब की मदद कर सकता है या ईरान की मदद कर सकता है। देखिए, इसकी बड़ी वजह ये है कि अगर तुर्की अपना स्टील डोम सिस्टम हिजबुल्ला को देता है, तो ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसमें इसकी साख बहुत बढ़ जाएगी। पीस वार्ता भी चल रही थी, उसमें मध्यस्थता में तुर्की भी था, ऐसे में वो ईरान को इस तरह से सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे में हम ये क्या मान के चले कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाना है, तो सिर्फ इसके पीछे की क्या यही मंशा है? देखिए, क्या है कि इस पूरे इलाके में एक जो वॉर, मतलब दो पक्ष, एक तरफ ईरान है, एक तरफ अमेरिका और इसराइल है, तो देखिए क्या है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके ऊपर एक बड़ा ये सवाल है उनके लिए कि भाई आखिर किसका साथ दिया जाए। तो अब जैसे सऊदी अरब है या फिर अमेरिका है, ये अगर इनके साथ खड़ा हुआ है इसराइल के साथ, आप देखिए जॉर्डन भी जो है, जॉर्डन पहले तो जॉर्डन में अमेरिका के बेस भी हैं, जॉर्डन जो है वो माना जाता था कि अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहा है, लेकिन आप देखिए पिछले कुछ समय में, हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जॉर्डन का भी स्टैंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से अब तुर्की जो है, तुर्की अगर अपने ईरान की मदद के लिए सामने आ रहा है और इतना खुल के बयान दे रहे हैं एर्दोगन, तो इसके बड़े कूटनीतिक मायने तो बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। अब देखिए, हुती जैसे है, लाल सागर में हुती ने पिछले 24 घंटे में दो बड़े ऑयल शिप्स को निशाना बनाया है, और बताया जा रहा है कि इसमें एक पनामा का शिप था और दूसरा सऊदी अरब का ऑयल शिप था, और इसको दोनों को हुती ने टारगेट किया, दोनों को तबाह कर दिया। और हुती की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि भाई जो कंट्रीज़ अमेरिका के साथ हैं वो हमारी दुश्मन है,
तो हुती जो है वो लाल सागर में लगातार निशाना बना रहा है। उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ से भी बड़ी स्ट्राइक हुई और बताया जा रहा है कि दो ठिकाने हुती के पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। तो एक तरफ लाल सागर में जो है वो हुती और अमेरिका और अलायंस के बीच में जो है एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, दूसरी इसराइल जो नॉर्दर्न इसराइल है यहाँ पे हाँ हिजबुल्ला के देखिए रॉकेट्स लगातार फायर हो रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट अटैक हुआ है, ये कल अटैक हुआ, इसमें कफर योवल एक जगह है जो कि उत्तरी इसराइल में है, नॉर्थ इसराइल में है, यहाँ पे एक रॉकेट से बड़ा सटीक फायर किया गया और एक चेक पोस्ट इसराइल की तबाह कर दी गई। तो देखिए हिजबुल्ला की तरफ से भी ये रॉकेट्स फायर हो रहे हैं, अब वो जैसे हम पहले भी बता रहे थे कि वो अब गिर रहे हैं, आयरन डोम उनको पूरी तरह से नहीं पकड़ पा रहा है। तो नेतन्याहू के सामने एक बड़ी चुनौती तो ये भी है कि भाई अपने नागरिकों की रक्षा करना है, फोर्सेस की रक्षा करना है, जो रॉकेट्स गिर रहे हैं इसको लेके आयरन डोम पे भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जब ये खबर आती है कि भाई तुर्की जो है वो अपना स्टील डोम तैयार कर लिया है और वो हिजबुल्ला को दे सकता है, तो ये नेतन्याहू के लिए एक बड़ी और इसराइल के लिए एक बड़ी खबर चुनौती हो जाएगी कि भाई अब स्ट्राइक करने में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मतलब जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि ऑलरेडी नेतन्याहू अपने घर में घिरे हुए हैं, उनको माफ़ी तक मांगनी है अपने आवाम से, अपने लोगों से, और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इसका बदला लिया जाएगा। हालांकि हमास की तरफ से कहना है कि जो शव बरामद हुए हैं गजा से वो जानबूझकर इजराइल ने इन बंदियों को मारा है और वो हमें ब्लेम कर रहे हैं इस बारे में, इस तरह का बयान हमास की तरफ से आया है। लेकिन ये बयानों का दौर लगातार चल रहा है मयंक, लेकिन इस बीच हम ये मान के चले कि अभी तो चलिए गजा में युद्ध विराम की स्थिति है और इसके बाद जो तैयारी आसपास के क्षेत्रों में देखी जा रही, चाहे हूती द्वारा हो या फिर हिजबुल्ला के द्वारा हो या और भी, हमास भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर ही रहा है, ऐसे में हम ये मान के चले कि जो आगे आने वाले दिन हैं वो इसराइल के लिए भी चुनौती भरे होंगे, और उस पर से आपने जो तुर्की वाली खबर दी वो उसके लिए चिंता का सबब। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे यहाँ पे ये जो सीज फायर है ये खत्म होगा, इसके बाद एक बात तो तय है कि जो ये बंधकों की हत्या हुई है, अब ये हमास का इसमें अपना स्टैंड है, इसराइल के अपने आरोप हैं, सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुद्दे को लेकर आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही ये सीज फायर हटेगा उसके बाद हम देख सकते हैं कि गजा में एक बार फिर बड़ी स्ट्राइक हो सकती है और दूसरी तरफ हिज्ब की तरफ से भी, हिजबुल्ला की तरफ से भी नॉर्दर्न इसराइल को एक बार फिर टारगेट किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल और है जो कि इजरायली आवाम भी अपने प्रधानमंत्री से पूछ रही है कि क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है, तो क्या जिस तरह की बात अभी तक बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं नेतन्याहू, इतने विरोध के बाद भी अपने घर में, तो लगता नहीं कि कोई बातचीत होगी, क्या अपने आवाम को ओवरलुक करके आगे बढ़ेंगे और हमला होगा? देखिए नेतन्याहू जो है उनकी एक मतलब जिस तरह की शख्सियत है नेतन्याहू की, और जैसा हम पहले से देखते आए हैं नेतन्याहू कोई भी जब फैसला करते हैं तो उस पर वो अडिग रहते हैं भले चाहे कितना विरोध करना पड़े, और उनका एक स्टैंड कुछ इस तरह का होता है कि भाई इसराइल नेशन फर्स्ट, उसके लिए चाहे लाख कुर्बानियां देनी पड़ जाएं। तो अब ये एक बड़ा जो है द्वंद्व वहाँ पे इसराइल में देखने को मिल रहा है, एक तरफ वहाँ की जनता है जिसकी मुख्य मांग ये है कि भाई जो बंधक है उनको रिहा करवाया जाए, लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जो है वो गजा पे स्ट्राइक होगी और अभी भी इसराइल का जो है ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। तो अब ये आने वाले कुछ दिनों में जैसा आप बता रही हैं कि अगले जो है जैसे ये सीज फायर हटता है तो 3-4 दिनों में क्या रुख होगा इसराइल के अंदर भी जो है वो हमने चर्चा की पिछले वीडियो में कि योव गैलेंट जो है वहाँ के रक्षा मंत्री, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग लाखों लोग सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कितना दबाव नेतन्याहू पे होगा, और साथ ही क्या नेतन्याहू अपनी इमेज को फिर से रिस्टोर करने के लिए क्या कोई बड़े ऑपरेशन को की शुरुआत करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ ये भी है नीलू कि अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता भी है तो उसका कितना फ़ायदा इसराइल को होगा, क्या बंधकों को रेस्क्यू किया जा सकेगा, या फिर जैसी कि मांग हो रही है कि भाई पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना ही बंधकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी होगा। ठीक है, लेकिन इस बीच एक वीडियो भी जारी किया हमास ने, जो बंधक का एक वीडियो है, और हमास ने कह दिया है, क्योंकि कल हमने सुना कि उनका एक बड़े कमांडर ने मीडिया के सामने और एक कैमरे के सामने एक बयान उन्होंने दिया कि देखिए ऐसा है कि अगर इसराइल पहुंचता है बंधकों के पास तक
तो हम उन्हें मार देंगे। इस तरह की खबरों के बीच में नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं दुख तो है हमें लेकिन हम इससे बड़ा हमला करेंगे, हमास के इसका बदला लेंगे। इन सबके बीच में जो बंधक है उनकी रिहाई का आगे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? अभी आप सही कह रहे हो कि इस समय फिलहाल अगर एज ऑफ नाउ आज की बात की जाए तो अभी बंधकों की रिहाई का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नेतन्याहू इसराइल अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ा हुआ है, हमास का अपना पक्ष है और वो उस पे स्टैंड पे कायम है। जहां तक पीस प्रोसेस आगे बढ़ने की बात है तो जो समझौतों की बात है, जो शर्तें हैं जो नेतन्याहू ने सामने रखी है, ये ना हमास को मंजूर है, ना ईरान को मंजूर है, ना हिजबुल्ला को मंजूर है। तो उसके फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को लेकर जो है जो नेतन्याहू चाहते हैं कि वहाँ फोर्सेस रहे वो कतई हमास को मंजूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि एज ऑफ नाउ बंधकों की रिहाई तो बेहद मुश्किल लग रही है और ये मामला जो है एक बड़े संघर्ष की तरफ फिर से बढ़ता दिख रहा है। बिल्कुल, तो बड़े संघर्ष की तरफ इसराइल हमास का जो युद्ध है आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बात शांति वार्ता की ज़रूर हो रही है, बंधकों की रिहाई की बात हो रही है, चाहे वो गजा के लोग हो या फिर इसराइल के लोग हो, लेकिन अभी फ़िलहाल की स्थिति देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पर बंधकों की रिहाई का रास्ता तुरंत खुलता दिखाई दे रहा है। इस खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ।